राशिद हुसैन तुम कत्ल करोगे, तुम कत्ल करोगे, ग्वादर नरो परिवार शुका, ग्वादर नरो परिवार शुका, ग्वादर नरो परिवार शुका, ये बलूचा इत्याद बलोच नसल खुशी, बलोच नसल की रियासत की दहशत गर्दी, रियासत की दहशत गर्दी, रियासत की गर्दी, रियासत की गुंडा गर्दी, तुम मारोगे, हम निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे, हम निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे, हम निकलेंगे, ग्वादर नरो परिवार शुका, ग्वादर नरो परिवार शुका, ग्वादर नरो परिवार शुका, ये बलूचा इत्याद एहतजाज भी नहीं था, बल्कि एक कौमी बैठक थी, कौमी इकट्ठ, जिसका मकसद ये था कि जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, वो मसाइल जमीन से मुताल्लिक हैं, वो हुकूक से मुताल्लिक हैं, वो बलूचिस्तान के साहिल व वसाइल से मुताल्लिक हैं, वो बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली से मुताल्लिक हैं, उन पर एक डिस्कशन की जाए, कौम को इकट्ठा किया जाए, महज ये मकसद था। तो बलूचिस्तान में जिनके हाथ में गवर्नमेंट दी गई है, जिनके हाथ में हुकूमत दी गई है, ये वो लोग हैं जो कई सालों से बलूचिस्तान में खूनरेज ऑपरेशन के मुतालिबे करते रहे, तो आज उन्हीं को गवर्नमेंट थमाया गया है और इसी दिन के लिए उन्हें गवर्नमेंट दिया गया है कि वो बदतरीन तशद्दुद करें, जिसकी मिसाल हमारे सामने। गुज़िश्ता 5 दिनों से बलूचिस्तान बंद पड़ा है, ग्वादर से चंद दर्जन किलोमीटर के फासले पर तलार के मकाम पे, जहां आपको दूर दूर कोई दरख्त नजर नहीं आएगा, बंजर पहाड़ है, गर्मी अपनी हदों को छू रही है। आप अंदाजा लगाएं कि हजारों लोग 5 दिनों से वहां गर्मी धूप प्यास की शिद्दत से निडाल हैं और उन पे फायरिंग की जा रही है, खून में लथपथ है, एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वीडियो सामने है। तो इसी तरीके से आप दालबंदन में, चागी में, बाकी बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में, आज अभी कुछ ही देर पहले कराची प्रेस क्लब के सामने लोग वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जमा हुए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, खवातीन हत्ता के माइनर्स को भी। पुरअमन गैदरिंग के लिए इकट्ठे हो रहे थे और रियासत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि बलोच को वो पीसफुल नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि बलोचों को उकसाया जाए, वो चाहते हैं कि बलोच रिएक्ट करे, लेकिन डॉक्टर बारग बलोच की लीडरशिप और समी दीन बलोच, डॉक्टर सबीहा की बहादुरी की वजह से, उनकी रिजिलियंस की वजह से बलोच कौम पर अमन रही है। और इस हवाले से मैं इधर एक ही मुतालबा करना चाहूंगी, जो हम हर ऐसे एहतजाज पे करते हैं, कि रियासत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। हमने पहले इस तरह की रियासती परवरियत का नतीजा बांग्लादेश में बनते हुए देखा है, हम नहीं चाहते कि ये तारीख फिर से दोहराई जाए। बहुत शुक्रिया। में हुआ वहाँ पर स्टेट के नैरेटिव के मुताबिक वहाँ पर अटैक किया गया और मोब ने एक सिपाही को शहीद किया और 16 को जख्मी किया। क्या असेसमेंट है आपकी, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? देखिए ये ISPR का बिल्कुल, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया, उनका कहना है कि एक उसमें जो सिपाही है वो मुजाहिरीन के साथ तशद्दुद में
जान से गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन मुजाहरीन का भी दावा है कि इनके दर्जनों लोग सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं और कई शहादतों का भी वहाँ पर दावा किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर इंफॉर्मेशन का ब्लैक आउट है, अगर आप देखें कि ना तो इंटरनेट है इस वक्त, ना वहाँ पर मोबाइल सर्विस चल रही है, तो जब ऐसे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन का ही ब्लैक आउट कर दिया जाए तो दोनों साइड जो मर्जी दावे करती रहे हम उनके अदा तौर पर तस्दीक नहीं कर सकते। और फिर मैं आखिर में कहूँगा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है अपने लोगों को डील करना। रियासत कभी भी अपने लोगों पर जबर नहीं करती। तो अगर ये राजी मिर्ची के लिए कोई जमा हो भी रहते विरोध जो कि हज़ारों की तादाद में है, तो रियासत को इनको सुनना चाहिए था, इनको रोकना नहीं चाहिए था। तो जब आप रियासत जबर पर उतरा है तो रिएक्शन तो होता है। सर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि मोब या ये जो जत्था है, ग्रुप है, ये वायलेंस के लिए मशहूर है और ये वायलेंस करने के लिए ही आए थे। हाउ वुड यू असेस दैट? वैसे ये मारंग बलोच जितने अच्छे से धरने कर रही हैं या मुजाहरे कर रही हैं, किस में उन्होंने वायलेंस किया? एक को कोर्ट कर दें, इस्लाम में यहाँ पर इस्लामाबाद में भी आए थे, इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया था मारंग और उन बच्चियों के साथ, तो उन्होंने कहा जवाब में कुछ तशद्दुद किया था। तो ये तो एक रियासत का रटा रटा है बयानियाँ कि जब उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो वो उसके ऊपर कलाशनकोफ भी डाल देते हैं, उस पर बारूदी मवाद भी डाल देते हैं और उस पर वायलेंस का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। लाइक या तो दिखाएं ना, वो जो वीडियोज आ भी रही हैं वहाँ से जिन बसों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, रियासत तो मसला नज़र आ रही है, लेकिन जो बलोच आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनमें से कोई आपको मसला नज़र नहीं आ रहा। या तो कहें ना कि वो भी मसला है, तो एक क्रॉस फायरिंग चल रही है तो चलें फिर भी समझ आए कि दोनों साइड मसला है, एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा आसान है, आप इल्ज़ाम लगा दें। फिर मैं ये कहूँगा कि जब आपने खुद से इन्फॉर्मेशन का ब्लैकआउट किया हुआ है, या तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो आने दें, ये अपने ज़रा से चेक कर लेंगे कि वहाँ पर मुसल्ला मुजाहिदीन थे, क्या था, मौजूद नहीं। थैंक यू सो मच। सामने क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड है? देखें, मुतालबात वही हैं जो बलूचिस्तान में BYC लेकर ग्वादर की तरफ जा रही थी, और पूरा बलूचिस्तान सूबा इस वक्त बंद है, रोड ब्लॉक हैं, हाईवेज ब्लॉक हैं, लोग जो है तशद्दुद का शिकार है, उन पर जब्त किया जा रहा है। तो इस यकजहती के हवाले से यहाँ ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, अपना जो है आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने एहतजाज को रिकॉर्ड किया गया है कि जल्द अज जल्द बलूचिस्तान में जितने भी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए, तमाम जो है काफिले जिनको रोका गया है उन्हें ग्वादर पहुँचने दिया जाए, ताकि वहाँ वो अपने जो मेन मुतालबात हैं बलूचिस्तान के साहिल की वजह से के हवाले से, बलूचिस्तान में जो है लूटमार को बंद करने के हवाले से और बलूचिस्तान में जितने भी इंसानी हकूक की मालियाँ हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से, वो अपने मुतालबात को वहाँ पेश करें, अपनी गैदरिंग करें और वापस वहाँ से हो जाए। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं एक में करना चाहूँगा कि एक तो फर्स्ट स्टेट की थी कि मोब उठती है और आर्मी के एक सिपाही को शहीद किया गया और 16 को जख्मी किया गया, नंबर फर्स्ट। सेकेंड, आपके कितने अफराद गिरफ्तार हैं राजीव मुशी में ग्वादर पर हमले के बायस? देखें, इस हवाले से खुद पहले से सोशल मीडिया पर खबरें मौजूद हैं इस राजीव मुशी में जो ये तशद्दुद किया गया उससे पहले कि ग्वादर में एक जो है एक्सीडेंट में एक जो है आर्मी का एहलकार उसमें जो है वो मारा गया था, जामबाग हुआ था। तो अब जो है इसको रंग देना कि इन जो है शुरका ने या मुजाहिरीन ने जो है उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पहले भी इल्म होगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो कि ग्वादर में राजीव मुशी का इंतकाल किया गया था, लेकिन उससे पहले ही क्रैकडाउन शुरू हो चुके थे और जितने भी रास्ते थे ग्वादर के वो बंद करना शुरू हो चुके थे, और उसके बाद आपने खास करके मस्तूब में या तालार में या हाफ चौकी में या आपने नौशकी में या बाकी इलाकों में रास्तों पर देखा होगा किस तरीके से जो है ना लोगों को रोका गया है, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है कि मिसिंग पर्सन के बुनियादी इंसानी हकूक, तो उसके बारे में यही है कि उनको कर्फ्यू किया गया, उनको जो है ना शेलिंग की गई, उन पर फायरिंग की गई। तो उसी के लिए इस्लामाबाद का ये तिबका जो कि बिल्कुल स्टूडेंट है, स्कॉलर है, BS के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉमन सेंस रखते हैं, जो कि समझते हैं चीज़ों को, वो निकले हुए हैं और वो ये रियासत को बताना चाह रहे हैं कि अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें कि आपने निहत्ते वहाँ पर बैठे पीसफुल लोगों पर, रास्तों पर आपने लड़कियों को, औरतों को, आपने बूढ़ों को, बच्चों को आपने शेलिंग की और कर्फ्यू किया और आपने उनको एक पीसफुल राजीव मुंशी के बादर जाने से रोका। वाकया तालार के मकाम पे हुआ, आज सुनने में आया यही वाकया डालबंदर में हुआ है, तो ये क्या है? रियासत बलूच को क्या दिखाना चाह रहा है? ये पावर इस्तेमाल करके वो किसी भी हवाले से बलूच को काउंटर नहीं कर सकते। बलूच बाशऊर है और रियासत अपने गलतियों को दोबारा ना दोहराए। रियासत ने जो